आप सभी को जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा कार्यक्रम में आप सभी मसीही विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। आज से हम अलग अलग विषयों पर परिचर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। यह पहली परिचर्चा है। इसके पहले आपने हमारे प्रश्नों के उत्तर में परिचर्चा सुना होगा। आज का विषय है उपवास। उपवास विषय पर परिचर्चा के लिए हमारे बीच में उपस्थित है इवेंजलिस्ट ब्रदर अनूप इंगले, साथ में है इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव और सिस्टर नलिनी रेशम मोसस। आइए परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। ये परिचर्चा इसलिए भी संचालित की जा रही है कि आम मसीही लोगों में, आम विश्वासियों में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पाई जाती हैं उपवास के विषय में। और इसके अलावा हम सबका अनुभव ये भी रहा है कि कम जानकारियां हैं और जो कुछ भी जानकारियां हैं वो हमारे या तो परिवार से आई हुई हैं या कुछ सुनी हुई बातें हैं या हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने बतलाया, इसीलिए हम उपवास रखते हैं। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है और बाइबल के अनुसार उपवास क्या है और इससे क्या लाभ है, कैसे रखा जाना चाहिए, इन सब बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्टर से पूछना चाहूंगा कि सिस्टर, उपवास किसे कहते हैं, उपवास का क्या तात्पर्य है? उपवास शब्द ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर कोई जानता है, उसके अर्थ को हम समझते हैं, परंतु क्या हमने सही अर्थ को समझा? जितने भी सालों से हमने उपवास में अपने जीवन को सम्मिलित किया, परंतु क्या वो उपवास परमेश्वर की नजरों में उचित था? अगर उसकी परिभाषा हम देखें तो एक छोटी सी परिभाषा है कि अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं को कुछ समय के लिए छोड़ देना उपवास है। जैसे 40 दिन के लिए हमने उपवास रखा तो हम तय कर लेते हैं हम एक टाइम कॉफी पियेंगे या एक टाइम हम भोजन करेंगे या हम पूरे दिन निराहार रहेंगे या 40 दिन में इतने दिनों में हम ये करेंगे या हम नए कपड़े नहीं खरीदेंगे या कोई अच्छी चीज़ें हम नहीं करेंगे। इन बातों को हम एक समय पीरियड के लिए रखते हैं और उसके बाद हम वापस उपवास के बाद उन्हीं कामों को जो हम करते आए हैं वो हम करने लगते हैं। उपवास वो है जो आत्म अनुशासन को बताता है। अगर हम उसका संधि विग्रह करें तो उप धनवास, उप मतलब ऊपर, वास मतलब निवास करना, सांसारिक कामों को छोड़कर यीशु मसीह के साथ निवास करना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ बातचीत करना और अपने समय को गुजारना। उपवास कोई साधारण सी बात हम उसको ना समझें। उपवास जो है बहुत गहरा विषय है। अगर हम पुराने नियम में देखें ना भी तो सबसे पहले जो उपवास के बारे में बताया गया है योएल 2 उसके 12 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो और उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हम उपवास तो रखते हैं, हम भोजन को छोड़ देते हैं, अपने शरीर को हम तकलीफ देते हैं, परंतु क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या हम उसको उस विषय को लेकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं? उपवास के बारे में अगर हमने सुना तो हम इस बारे को जानते हैं कि यीशु मसीह ने उपवास रखा, 40 दिन का उपवास रखा। तो बाइबल बताती है प्रियो कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पानी से जब वो बाहर आए, आत्मा उनको जंगल में ले गया उनकी परीक्षा करने के लिए, तो परीक्षा में जब शैतान ने उनसे सवाल पूछा तो वो इसलिए उपवास में रहे क्योंकि वो जानते थे कि इसके बाद जो मेरे जीवन में गुजरने वाला है, जो मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए क्रूस पर मुझको शैतान के साथ लड़ाई करनी है, वो सांसारिक ज्ञान से और सांसारिक उपवास से वो हो नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने आत्मिक रूप से अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाने के लिए उनने उपवास रखा। मतलब कि आपका क्या ये कहना है कि यीशु मसीह ने कुछ विशेष कार्य करने के लिए उन्होंने उपवास रखा? हाँ, यीशु मसीह ने विशेष काम करने के लिए उपवास रखा क्योंकि जब वो बपतिस्मा उन्होंने लिया और वो पानी से बाहर आए, वैसे ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा और एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जब अति प्रसन्न शब्द आया उसके बाद परमेश्वर ने उनको आत्मा की अगुवाई के द्वारा उनको जंगल में ले जाया गया कि शैतान उनकी परीक्षा करे।
परंतु वह जानते थे कि ये सांसारिक उपवास नहीं परंतु आत्मिक उपवास के द्वारा मैं शैतान की उस बड़ी लड़ाई को जो मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए मैं करने जा रहा हूँ मैं जय को प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपने बताया कि यीशु मसीह ने एक विशेष कार्य के लिए ये उपवास रखा हुआ जी, ताकि उस विशेष कार्य में उनको सफलता मिले जी, और परमेश्वर की सहायता मदद उनको मिले। तो इसका मतलब यह है कि जैसे यीशु मसीह की परीक्षा जो है शैतान के द्वारा लिया गया, तो हमारे आपके जीवन में भी यदि परीक्षाएं आती हैं और हम अपने आप को उससे उबार नहीं सकते अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से, तो हमें भी क्या इस प्रकार से उपवास करके उन परीक्षाओं से हम उबर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे अच्छा जो हथियार है शैतान को हराने का और सांसारिक और आत्मिक दोनों आशीषों को प्राप्त करने का वो हथियार है उपवास। जब हम उपवास रखते हैं ना प्रियो, तो हम सिर्फ अकेले उपवास रखते हैं और वो उपवास मनुष्य को ना मालूम हो, परंतु जब परमेश्वर की नजरों में रहता है तो परमेश्वर हमें बल प्रदान करते, सामर्थ प्रदान करते और हमारे साथ उपस्थित होके हमारी हर विषम परिस्थितियों से हमें छुटकारा दिलाकर हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। उपवास हल्की बात नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने खाना छोड़ दिया, अगर हमने उपवास रखा है खाना छोड़कर आप किसको बताना चाहते हैं? हम जब मनुष्यों को ये बात बताते हैं या पता लगती है कि आपने उपवास रखा है तो वो हमारी बड़ाई करते हैं, परंतु क्या वो बड़ाई परमेश्वर ने की? अगर आपके उपवास का प्रतिफल शब्दों के द्वारा मनुष्यों ने दे दिया तो परमेश्वर आपको क्या देगा? हमको परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए बाइबल कहती है मत्ती 6:16 में, जब तू उपवास रखे तो कपटियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परंतु नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम उपवास रखते हो तो 17 में लिखा है कि तू अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो ले और तेरा परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे उपवासी जाने। परंतु क्या हम ऐसा उपवास रखते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो यशाया 58:3, उसमें बहुत आशीष में बात लिखी हुई है। बाइबल में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो उपवास स्वयं मनुष्य अपने आप को दीन करे? क्या तुम इस प्रकार करते हो? हम जब उपवास रखते हैं तो हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। बाइबल में जकरिया में भी लिखा है तुम अपने लिए खाते, तुम अपने लिए पीते और तुम अपनी ही बातों को पूरा करते, परंतु अगर हम उपवास रखते हैं तो हम परमेश्वर से अपनी संगति बनाएं, हम उसके साथ मिले रहें, उसके साथ हम बातचीत करें, तब हमारा उपवास सफल होगा। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ आपको, आपके घर में अच्छा भोजन बना है और आपको समय नहीं मिला तो आपने उसे नहीं खाया, ये आपका डाइटिंग पर काउंट होगा। परंतु आपके घर में अच्छा भोजन बना है परंतु अच्छा बनने के बाद आपने उसे नहीं खाया, ये फास्टिंग है। परमेश्वर डाइटिंग और फास्टिंग में अंतर करना बेहतर जानता है। लाख आप इतना उपवास रखें परंतु अगर वो उपवास परमेश्वर के कहे अनुसार वचन के अनुसार ना हो तो आपका उपवास रखना व्यर्थ है और वो तो वैसे ही हो जाएगा। जैसे लोग उपवास रख के नुक्कड़ में चिल्लाते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम भी परमेश्वर के सामने आकर उपवास रखते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी कोई सुधि नहीं ली। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जिसने अपना जीवन हमें दे दिया, अपनी आत्मा देकर हमें जीवित प्राणी बना दिया, हम उससे सवाल पूछने खड़े हो जाते कि हमने उपवास तो रखा परंतु तूने कोई सुधि नहीं ली। परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता। आप उपवास रखते हैं बहुत अच्छी बात है प्रियो, परंतु अगर आप गलत उपवास रखते हैं तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। कि आप रेस में खड़े हैं और उपवास शुरू हो गया और रेस खत्म होने के बाद आपको प्रतिफल नहीं मिला तो आपको कितना तकलीफ होगा, क्योंकि वो सही नहीं था। इसलिए हम उपवास रखें तो हम सही उपवास रखें। धन्यवाद सिस्टर, आपने जितनी बातें बतलाई है उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि परमेश्वर ये इन शारीरिक बातों से उतना प्रसन्न नहीं होता,
जितना कि आत्मिक बातों से। जैसे सिस्टर ने बताया कि परमेश्वर मन का जांचने वाला है, तो मन का जांचने वाला है तो शरीर से जो हम उपवास जो है वो शरीर को हम कष्ट देते हैं, तो शरीर का कष्ट देना और जो कि उपवास में पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर तो मन का देखने वाला है, तो इस शरीर को कष्ट देने से क्या होता है कि उपवास में ये जो शारीरिक कष्ट हम झेलते हैं और परमेश्वर इससे भी प्रसन्न होता है क्योंकि हमने उपवास रखा। हमने हो सकता है कि एक टाइम का भोजन छोड़ दिया हो या पूरे दिन भर का भोजन छोड़ दिया हो और रात में खाना खाया हो, किसी भी प्रकार का उपवास हम रख सकते हैं। बाइबल इसमें इस तरह का नहीं बतलाती है कि आपको एक टाइम का उपवास रखना है या कितने दिन का उपवास रखना है, इस विषय में भी बाइबल नहीं बतलाती है। लेकिन बाइबल यह जरूर बतलाती है कि परमेश्वर मन का जांचने वाला है। तो इस उपवास से जिसमें कि हम भोजन छोड़ते हैं, और बाइबल भी इस बात को बतलाती है कि भोजन छोड़कर उपवास किया जाता है। वास्तव में जो वचनों के आधार पर यह बतलाया गया है कि इस शरीर के जो भोजन नहीं करते हम, इससे हमारा शरीर उतने समय के लिए क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और परमेश्वर से हमारी निकटता बढ़ती है। किस प्रकार से बढ़ती है आप देखेंगे, सामान्य उपवास में जब हम भोजन छोड़ देते हैं तो हमारा ध्यान पूरा का पूरा दिन, जितने समय तक हमने भोजन नहीं किया उतना हमारा ध्यान जो है भोजन की ओर रहता है। लेकिन उपवास के साथ आप देखना है कि पश्चाताप भी जुड़ा हुआ है और प्रार्थना भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपने भोजन छोड़ दिया, आप सोच रहे हैं कि उपवास कर लिया होगा, क्योंकि उपवास अधूरा उपवास है, क्योंकि उसमें आपने पश्चाताप नहीं किया और आप प्रार्थना में नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर जो है इन बातों को ज्यादा महत्व देता है, पश्चाताप और प्रार्थना को, और ना कि सिर्फ आपके जो उपवास भोजन को छोड़ देने अकेले से उपवास पूरा नहीं होता। तो मैं राकेश भाई आपसे यह जानना चाहूंगा कि उपवास से लाभ क्या है, क्यों करना आवश्यक है और इससे लाभ क्या है उपवास करने से। उपवास से सिस्टर ने जो बताई काफी विस्तार से, अच्छा बताई सिस्टर ने। उपवास से ब्रदर कि अपन संसारिक दृष्टि से देखें तो उपवास से बहुत से लाभ है। चिकित्सा दुनिया देखे तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सप्ताह में एक दो बार अपने पाचन क्रिया को भी थोड़ा आराम दे, तरह तरह के लोग संसारिक रीति से कहते हैं उपवास रखना काफी अच्छा होता है। आत्मिक रीति से यदि हम, जैसे आपने बताया ब्रदर कि उपवास ही रखना काफी नहीं है, उपवास यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, आपने उद्धार प्राप्त किया, उपवास रख रहे हैं, तो उपवास हमको दीन करता है। जैसे सिस्टर ने अभी यशाया, हाँ सिस्टर ने अभी यशाया 58:5 पढ़ा था कि मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूं जो व्यक्ति को दीन करता है। मतलब उपवास से लाभ ये होता है कि व्यक्ति नम्र होता है, व्यक्ति दीन होता है, व्यक्ति अपने स्वयं के बल के ऊपर कम भरोसा करके उपवास के बाद परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के ऊपर, उसकी सामर्थ के ऊपर भरोसा करना प्रारंभ करता है। ब्रदर ये मैं समझता हूं कि उपवास ये है मसीह जीवन में। बहुत अच्छा ब्रदर, मैं सिस्टर ने जो बतलाया मैं उसको एक बार पढ़ देना चाहता हूं आपके सामने। वचन यशाया 58 उसका 6 वचन से आगे कृपया आप पढ़ सकती हैं जी। और बाइबल कहती है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ के फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करता जाए। तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ।
तो उपवास के साथ में आपने देखा दीन बनना, नम्र बनना, अन्याय से दूर रहना, अन्याय ना करना, और इसमें दान का भी विशेष महत्व बताया गया है कि जैसे सिस्टर ने बताया कि जो वस्त्रहीन है उनको आप वस्त्र दे सकते हैं, तो और जो जिनकी आवश्यकता है आप अपनी सामर्थ्य से उसको पूरा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि उपवास मात्र भोजन को छोड़ देना ही नहीं है, इनमें और भी अनेक बातें हैं जो कि बाइबल बतलाती है, तो उन्हीं बातों को आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी जानकारी अच्छी हो और अब जब कभी आप उपवास रखें तो इन बाइबल संबंधी जो बातें हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए। अनुभाई और भी आप उपवास के बारे में बतला सकते हैं बाइबल संबंधी? जी हाँ, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सिस्टर मोजेस का, फिर राकेश भाई का और जॉनसन ब्रदर का कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और विशेष बात जो इन्होंने परिभाषित किया है उसको वो मुझे बहुत पसंद आई और मैं भी उससे रिलेटेड चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने उपवास बताया कि उप को बताया आपने ऊपर, और वास का अर्थ है ऊपर वास करना, मतलब यू हैव टू, आपको ऊपर चढ़ना होगा अर्थात यू हैव टू कम टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उपवास का अर्थ मैं समझता हूँ उपवास के जो माने हैं हमारी कलीसियाओं में बिगाड़ दिए गए हैं और लोगों को इसको सही तरीके से नहीं बताया गया। परमेश्वर उपवास के माध्यम से आपसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर उपवास के माध्यम से मुझसे और आपसे संगति चाहता है, बोलेंगे है ना, संगति चाहता है, और उस संगति के लिए हम इस शरीर के रूप में नहीं जा सकते, हमको आत्मा में ऊपर उठना होगा, एक ऊंचे लेवल पर आना होगा। और पवित्र बाइबल भी इस बारे में बताती है कि शरीर आत्मा और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये लालसा करती रहती है एक दूसरे के विरोध में, और इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि हम शरीर की क्रियाओं को शिथिल कर दें ताकि हमारी आत्मा की क्रिया जागृत हो। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया, मूसा के साथ भी यही हुआ, मैं आपको बताऊंगा। उपवास के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोई नियम नहीं है ना कोई आज्ञा है कि आप उपवास करो, कितने दिन का करो, आधे दिन का करो, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि यू शुड बी होली, आपको पवित्र होना है तब आप मेरे प्रेजेंस में आओगे, और इसीलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को ये नियम दिया। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो वहां हालांकि उसका इंटरप्रिटेशन प्रायश्चित में होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रायश्चित से बड़ा उपवास कुछ नहीं है। अगर भाई से कहूं कि लेवी व्यवस्था का 16वां अध्याय निकाल कर 29 से थोड़ा आगे पढ़े तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वहां परमेश्वर इसराइलियों को ये कह रहे हैं कि अपने जीव को, ये जीव, अपने जीव को तुम्हें दुख देना है। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी, इस सातवें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना। जीव को दुख देना है, प्रायश्चित करना है, ये उपास भी वही है जीव को दुख देने वाली बात, और आगे पढ़ेंगे। और उस दिन कोई चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। जीव को दुख देना, यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना। दुख देना, अपने अपने जीव को दुख देना। उपवास में हम कुछ नहीं करते हैं, अपने जीव को दुख देते हैं ताकि हमारी जो आत्मा है वो प्रफुल्लित होकर परमेश्वर से उसका मिलाप कर सके। और इसका एक बेस्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय के 28वें पद को पढ़ें। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, हाँ, और जब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात रहा, पवित्र बाइबल हमें ये बता रही है। तब की बात है शायद कि ये सेकंड टाइम, जब दूसरी बार जब आज्ञा देनी जा रही है, हाँ, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जब दूसरी बार, पहाड़ या सीधे पर, एक्जेक्टली, एक्जेक्टली, एक्जेक्टली,
चूंकि इसराइली लोग पाप में डूबे थे, उन्होंने अपने लिए इमेज बना ली थी, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, इस पर से वो पहली जो आज्ञा पत्थर के रूप में लिख के परमेश्वर से दी गई थी वो नष्ट हो गया। लेकिन दूसरी बार परमेश्वर ने कहा कि ऊपर आ, तब मूसा 40 दिन और 40 रात रहा, यानी जो आपने कहा था ना कि उपवास, ऊपर उठ के यहाँ आ जा और मेरे साथ 40 दिन, और लिखा 40 दिन और 40 रात मूसा ने कुछ नहीं खाया, कुछ उपवास नहीं किया, तब दूसरी आज्ञा उनको दी गई। इस भेद को हमें समझना चाहिए कि जो उपवास है वो आत्मा से होता है, मन से होता है, शरीर को शिथिल करने से हम अपने आप में, अपनी आत्मा में जागृत होते हैं। ये बहुत सारी चीजें, उपवास के बहुत सारे कारण हैं। इसी बात को शायद इन्होंने बताया कि दीन करना, दीन करना वही है शरीर को, हाँ, जो दुख देना है, दुख देना जो है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो बाइबल में अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। एक बाइबल जब मैंने उसको पढ़ा तो वहां लिखा है एफ्लिक्ट योर सोल, इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे कि जीव को दुख देने का अर्थ है एफ्लिक्ट योर सोल, जिसका डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे एफ्लिक्ट शब्द का अर्थ पीड़ा देना, कष्ट देना या दुख देना, और दूसरी बाइबल में उसका अर्थ दिया है डिनाई योर सोल, डिनाई योर सोल, जिसका अर्थ है कि अपने आपे का इनकार करना। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा था, जो मेरे पीछे चले वो अपने आपे का इनकार करे और मेरे पीछे बोले, मतलब यू हैव टू मेक योरसेल्फ जीरो। उपवास का अर्थ ये है कि अपने आप को आपको शून्य कर देना है। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा उपवास किया कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का सा स्वरूप ग्रहण कर लिया। फिर मैं उन लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि उपवास अगर करें तो ऐसा करें, उपवास ऐसा ना करें कि 40 दिन के लिए हमने शराब छोड़ दी, 40 दिन के लिए मटन छोड़ दिया, 40 दिन के लिए हमने मुर्गा छोड़ दिया, ये नहीं, और 41वें दिन और आप बड़े खुश होते हैं कि 40 दिन भैया बहुत उपवास किया हमने, वो उपवास नहीं, वास्तविक उपवास वो नहीं है, नहीं है। तो आज हम यहीं पर ये जानने के लिए ही हम उपस्थित हुए हैं कि वास्तविक उपवास जो मसीही जीवन में बाइबल सम्मत उपवास है वो क्या है। इस बात को सभी मसीही जनों में बतलाने के लिए ही हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमने देखा है कि जो पुराने नियम है उपवास में आप देखेंगे टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर वो उपवास किया करते जी हाँ। तो आप देखेंगे राजा दाऊद, पूरे इज़राइल राष्ट्र का जो एकमात्र जो राजा था दाऊद, वो खुद टाट, टाट मतलब बोरा, बोरा पहनकर और राख में बैठकर, और कई जगह लिखा हुआ है कि राख को डालकर शरीर के ऊपर या सिर के ऊपर डालकर भी इस प्रकार से उपवास किया जाता था। तो मैं समझता हूँ जो राख में बैठना और टाट को ओढ़ना अपने आप को दीन करना, जैसा कि अभी आपने बताया कि शून्य करना, तो इसी से संबंधित जो वर्ड जो लिखा हुआ है शून्य करना, तो पुराने नियम में नहीं लिखा हुआ है, तो लेकिन इन राख और टाट से संबंधित अपने आप को शून्य करना और अपने आप को दीन करने से ही संबंधित है। तो राजा दाऊद ने भी देखेगा इतना बड़ा राजा होकर भी अपने आप को उन्होंने दीन किया। तो आज आप देखेंगे कि आज हमको टाट की जरूरत नहीं है और ना ही राख में बैठने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक पश्चाताप नहीं है। आप देखेंगे इब्रानियों 10वें अध्याय का जो पहला वचन है कि व्यवस्था जो है या व्यवस्था या पुराना नियम जो है वो नए नियम का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब या छाया है, तो छाया है पुराना नियम, और नया नियम जो है वो हकीकत है। कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 16वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि मूल बातें जो है वो मसीह की है, अर्थात मूल बातें जो है वो नया नियम है, लेकिन पुराना नियम जो है वो छाया है। तो पुराने नियम के अनुसार जो उपवास जो किया जाता था जिसमें कि टाट ओढ़ते थे और राख में बैठा जाता था, वही बातें आज हमारे लिए नम्रता और दीनता और जो अपने आप को शून्य करना, इन सब बातों को वो पूरा करता है। अर्थात हम पुराने नियम को ही हम यहाँ पे पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह का शारीरिक दिखावा नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं नए नियम में वे सभी आत्मिक बातें हैं।
आप पुराने नियम में भी देखेंगे कि वहां पे कर्मों के आधार पर था कि आपने पाप किया तो आपको एक मेमना जो है वो बलिदान करना पड़ेगा, तो वहां पे पूरी चीजें दिखती थी। और इसी प्रकार से ये जो टाट ओढ़ना और जो राग में बैठना वो दिखता था, लेकिन नए नियम में आप देखेंगे ये विश्वास के आधार पर है नया नियम की सारी बातें, और विश्वास जो है वो दिखता नहीं है। तो इसी तरह आत्मा से जो लोग भी जो उपवास रखते हैं वो पूरा, जैसे सिस्टर ने भी बताया कि वो दूसरों को दिखना नहीं चाहिए, वो बतलाना नहीं चाहिए। जैसा कि यहाँ पे नए नियम में बताया कि आप अपना पूरा तेल लगाइए और जैसा कपड़ा है वैसा पहनिए, मतलब आपका रूटीन जो है उसमें कोई चेंज इस प्रकार का दिखावटीपन का नहीं आना चाहिए। दूसरा व्यक्ति समझ उसके समझ में भी नहीं आना चाहिए कि आपने उपवास रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ की सब आत्मिक बातें हैं नए नियम में, तो उपवास जो है नए नियम में आकर यहाँ पर आत्मिक रूप से हमको करना चाहिए। तो वे आत्मिक बातें कौन कौन सी हैं, जो उन बातों को हम जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो एक बात थोड़ा सा बोलूं ब्रदर, हाँ जरूर, कि जब उपवास की चर्चा ही चली है तो उपवास जो ठहराए हुए हैं कलीसिया के द्वारा या नियम के द्वारा या वचन के द्वारा, उसके बावजूद भी उपवास होते हैं। और ये बताना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके से आप उपवास रख सकते हैं, इंडिविजुअली रख सकते हैं, उपवास के कुछ उद्देश्य हुआ करते हैं, बिना उद्देश्य जैसे कोई चीज नहीं होती। लेकिन एक मैं बड़ा अच्छा वचन भाई से ही पढ़वा लूं तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप 35 अध्याय पढ़ लें भजन संहिता का, वहां दाऊद एक बहुत अच्छी बात बोलता है अपने दुश्मनों के बारे में, 35:13 दुश्मनों के बारे में ये बात बोलता है, पढ़िए जरा बहुत अच्छा लगेगा। जब वे रोगी थे, दुश्मन जो उनके, हाँ, तब तो मैं टाट पहने रहा, हाँ, और उपास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। उस प्रार्थना का फल जब हम अपने दुश्मनों के लिए करते हैं प्रार्थना, और सचमुच में करते हैं जैसा टाट ओढ़ कर यहाँ लिखा, उसका प्रतिफल भी हमें मिलता है। और प्रार्थना के और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसा आपने पहले भी कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जरूर कही है कि बिना प्रार्थना और उपवास के ये जाति दुष्ट आत्मा ये नहीं निकलती। तो ये एक और पर्पस हो गया। आज आपने देखी आपको दुष्ट आत्मा आपके घर में दिखेगी नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा आपके घर में वास करती है किसी न किसी रूप में, और शैतान जो कार्य हमारी कलीसियाओं में हमारे घरों में करा रहा है उसमें पूरा पूरा हाथ दुष्ट आत्मा का होता है। इसीलिए भी हमको उपवास करना है कि वो दुष्ट आत्मा जो है, और वो अलग टाइप से है, उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट। आपका ये कहना है कि जो शैतान के जो कार्य है, हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं, हाँ, उनके कार्य इस प्रकार से हैं, या वे दुष्ट आत्मा है जो कि सिर्फ डांटने से नहीं निकलती उनके लिए जो यीशु मसीह का वचन है कि उपवास के द्वारा प्रार्थना किए जाने के द्वारा ही वे दुष्ट आत्माएं निकलती है। तो इस प्रकार से उपवास के द्वारा भी हमने देखा यहाँ पर, हाँ, कि शैतान के कार्यों को आप यहाँ पर हरा सकते हैं। और सिस्टर ने यहाँ पर बताया भी कि यीशु मसीह ने जो 40 दिन का उपवास जिसमें उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा ली गई थी और शैतान को वहां पर भी हराया गया। बाइबल जो है इंडिविजुअल उपवास के अलावा सामूहिक उपवास के विषय में भी बतलाती है। यस, तो हाँ, आज हम आप जो है इंडिविजुअल उपवास भी रख सकते हैं, और जो हमारे चर्चेस हैं हमारे कलीसिया है किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरे कलीसिया के रूप में भी हम उपवास का दिन ठहराओ, जैसा बोला आप दिन ठहरा सकते हैं, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का या 1 दिन का, जैसा भी कलीसिया ठहराए, तो कलीसियाई रूप में भी हम उपवास को करना वो बाइबल सम्मत है। क्योंकि पुराने नियम में सामूहिक उपवास के कुछ उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे एस्तेर की बुक में भी पाए जाते हैं। तो इस विषय में आप बता सकते हैं सामूहिक उपवास, सामूहिक उपवास है ना, सामूहिक उपवास का कोई एक उदाहरण आप दे सकते हैं? बाइबल का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये इसराइल के लिए पहला शमूएल 7:6 में, जब वो चारों ओर से घिर गए, विपत्तियां उनके ऊपर आ गई, राजा युद्ध कर रहा था, सामूहिक रूप से उपवास किया गया। यूना की किताब में भी हम पढ़ते हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं। अंताकिया के अगुओं के बारे में भी लिखा गया है, प्रेरितों के काम 13:2 में लिखा हुआ है कि अंताकिया के अगुए इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से प्रार्थना में
सिस्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अनूप भाई ने बतलाया कि योना के समय काल में सामूहिक वास किया गया, तो उस विषय में आप बतला सकते हैं बाइबल संबंधी? बिल्कुल। क्या किया गया वहां? योना के समय उपवास जब किया गया तो परमेश्वर ने योना को जब निनवे के लिए भेजा और वो वहां पहुंचा तो उसने प्रचार किया योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसमें 4 पद में लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट जाएगा। और आगे लिखा है, निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये टाट ओढ़ा ये एक बात हुई, परंतु बाइबल बताती है 6वें पद से कि जब ये समाचार योना के द्वारा, जो लोगों के द्वारा, योना के दोनों के द्वारा जब राजा के पास पहुंचा तो बाइबल कहते हैं कि वो राजा जब कानों में बात पहुंची तो उसने अपने सिंहासन पर से उठ गया और अपने राज के वस्त्र उतारे और टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। और उससे बड़ी बात 7वें पद में लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या पशु पक्षी, क्या भेड़ बकरी, कोई भी न कुछ खाए और न कुछ पिए। और बाइबल कहती है कि मनुष्य और पशु दोनों ने जब टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई, नॉर्मल नहीं, चिल्ला चिल्ला कर दी। बाइबल बोलती है कि जब चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने दुहाई दी और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते थे उन्होंने पश्चाताप किया, चिल्ला कर उन्होंने यहोवा से मांगा, उपवास किया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और उसके बाद उन्हें नॉर्मल उपवास नहीं रखा, चिल्लाया भी और बाइबल कहती है उन्हें पश्चाताप भी किया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने 10वें पद में उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि की खानी थी परमेश्वर ने उनको ना किया। तो उपवास करना कोई साधारण बात नहीं प्रियो। अहाब राजा ने भी उपवास किया, परंतु अहाब राजा ने टाट ओढ़ा, राख मल ली और उसने राज की वस्त्र उतार दिए, परंतु उसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे दूसरे राजा में, कि वो धीरे धीरे चलने लगा, वो पश्चाताप करने लगा, उसको मालूम था दबे कदमों से कि मेरी चाल भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं था कि जो वो कर रहा है वो गलत है। पर जब उसको बताया गया एलिया के द्वारा उसने तुरंत उस बात को माना। निनवे के लोगों को जब योना ने बताया तो क्या पशु पक्षी, राजा ने भी माना, जानवरों ने भी माना और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो उनके विरोध में करने की ठानी थी उसको बदल दिया। हानि करने की जो परमेश्वर ने ठानी थी उसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। यस। और उनकी हानि ना करके उनके लिए लाभ का कार्य किया। यस। इस प्रकार से हम आप कह सकते हैं। यस। यहाँ पर भी हमने देखा सिस्टर ने पुराने नियम के वचन को बतलाया, उन्होंने पुराने नियम में देखा गया कि राख पर बैठना और टाट ओढ़ना, ये बातें अब आप समझ सकते हैं कि जब ये बातें आती है इसका मतलब होता है कि उपवास करना, अपने आप को दीन करना। Yes. नहीं तो हम आप इन वचनों को, इस प्रकार के जो वचन है कि टाट ओढ़ना और राख में बैठना, इसको हम समझ नहीं पाते कि क्या बात है। लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि टाट ओढ़ना और राख पर बैठना, अपने आप को दीन करना, नम्र करना और उपवास करने से ही संबंधित है। अब आप देख सकते हैं कि जो यहूदी लोग हुआ करते थे वो लोग उपवास को बहुत कड़ाई से पालन करते थे और इस प्रकार के बाइबल में वचन पाए जाते हैं। ये उपवास ये आया कहाँ से? उपवास जो है आप देखेंगे कलीसियाओं में, ये प्रारंभिक कलीसिया से ये उपवास से संबंधित है। ब्रदर, इसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ उपवास के विषय में बोला था, जब वो खेत से होकर जा रहे थे, वो अपना खेत की बालियां तोड़ के जा रहे थे, बोले कि भाई आपके चेले तो उपवास वगैरह करते नहीं है। जबकि यीशु मसीह के चेले उनके साथ जा रहे थे तो यहूदी लोग या सदूकी होंगे, फरीसी होंगे,
ये लोग धर्म के बिल्कुल कट्टर पंडित है, अच्छे नियमों को, परमेश्वर की व्यवस्था को बहुत अच्छी रीति से जानने वाले शास्त्री लोग भी थे। तो वो इन बात को बोलते हैं कि भाई यीशु मसीह से बोलते हैं कि आपके चेले जो है वो नहीं रहते, उन्होंने तो इस विषय में थोड़ा सा बदलाइए। एक्चुअली क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये देखा कि ये उपवास को भी लोगों ने धर्म आडंबर के रूप में ग्रहण कर लिया है, और वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा में तो ये लगे ही हुए थे। तो उन्होंने कुछ बातें पाने के लिए यीशु मसीह से प्रश्न किया कि क्या बात है, तेरे चेले उपवास नहीं करते जबकि हम तो उपवास करते हैं और ये लोग उपवास नहीं करते। तो उनको एक मुंह तोड़ जवाब प्रभु यीशु मसीह ने देकर उनका मुख बंद किया कि ये जो धर्म आडंबर आप लोग कर रहे हो, टाट ओढ़ रहे हो, दिखावा बहुत ज्यादा हो गया था, ये दिखावा कर रहे हो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि प्रश्न पे प्रश्न किया कि एक बात मुझे ये बताओ कि जब दूल्हा बरातियों के साथ में है तो क्या बराती उपवास करेंगे? वो तो खाने के लिए आए दूल्हे के साथ, ताकि ये लोग जान ले कि मैं परमेश्वर का पुत्र दूल्हे के रूप में आया। लेकिन ये भी कहा कि वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर लिया जाएगा, तब ये उपवास करेंगे। लेकिन जब तक प्रभु उनके साथ में है, जब तक है, तो क्या बराती उपवास करते हैं? जरूरत नहीं है इनको अभी उपवास करने की, लेकिन ये जब समय आएगा तो तुमसे ज्यादा उपवास करेंगे ये। और इसको फिर हमने आरंभिक कलीसिया में देख लिया कि एक मन और एक चित होकर वो कर रहे थे काम, तो बेड़ियां खुल गई पतरस की उपवास में। वो दम उपवास हडम्बर नहीं होना चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो चेले जब तक यीशु मसीह के साथ थे तब तक उपवास की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि हाँ जब तक बरातियों के साथ में दूल्हा रहता है तो क्या वे उपवास करते हैं? नहीं नहीं करते, बरातियों के साथ में तो खाने पीने आए हैं। हाँ तो तब तक बरातियों को उपवास की आवश्यकता नहीं। तो मतलब यीशु मसीह इस संसार में तीन या साढ़े तीन वर्ष तक थे, या तब तक चेले उनके साथ थे, तब तक उनको उपवास की आवश्यकता नहीं। लेकिन यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद तो उपवास की आवश्यकता है आज की तारीख में। हाँ ये कैसे है ये भी बता दो, इसका मतलब यही हुआ ना। हाँ ये आप भाई जब तक समझ में है तब मराठों को उपवास की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वचन आप और मान के चले, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देखो इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। If you are feeling in your heart कि God is with you, Jesus is, you need not to उपवास, है ना? उसके लिए पवित्र आत्मा वगैरह दिया हुआ है। लेकिन अगर ये जो चाहते हैं कि हमें करना है, आपको मैं चाहूंगा कि आप समझिए कि यीशु मसीह आज भी हमारे साथ yes. है, तो हमें इस प्रकार के उपवास की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है, बट इफ यू हैव, आपको अगर कोई स्पेशल काम करना, क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ में पिता परमेश्वर नहीं थे? थे, लेकिन एक स्पेशल काम करना था, उस क्रूस पर चढ़ना था, लोगों में 3.5 साल प्रचार करना था, तो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया था। अगर हाँ 40 दिन नहीं 3.5 साल की सेवकाई में जो काम करना था उसके लिए 40 दिन उन्होंने उपवास किया। और अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि कुछ स्पेशल काम आपके परिवार में हो, या तो आत्मा निकाली जाए, आप उपवास करें, आपको कोई मना नहीं करेगा, ये आपके ऊपर है, लेकिन हृदय से होना चाहिए। बाइबल का सिद्धांतिक तौर पर आप देखेंगे कि आपके साथ में मसीह स्वयं है तो आपको उपवास की जरूरत नहीं है सैद्धांतिक रूप में। लेकिन हम आप जानते हैं कि मसीह हमारे साथ में होते हुए भी हम आप एक कमजोर होता, हर एक मनुष्य जो है वो कमजोर है, इसलिए सामर्थ पाने के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना पड़ता है, और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि उपवास रखा गया, पश्चाताप किया गया, और उसके साथ में विनती या प्रार्थना भी की गई। इन सब बातों को मिलाकर परमेश्वर प्रसन्न होता है। और उपवास से संबंधित हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ शारीरिक बातें नहीं है, या कुछ समय के लिए भोजन को छोड़ देना नहीं है, उसके साथ में अन्य बातें भी होना आवश्यक है। और इसके साथ हम देख सकते हैं कि जैसे इब्रानियों में बतलाया गया है कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है।
और नया नियम जो है वो पूरा विश्वास पर ही आधारित है और हम आप जो है नए नियम के विश्वासी हैं। तो उपवास में विश्वास के द्वारा प्रार्थना किया जाना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना सिर्फ मस्तिष्क से नहीं होना चाहिए, आपके हृदय से आपकी प्रार्थना होना चाहिए, जिसको कि सुनकर विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना परमेश्वर प्रसन्न होता है। सेकंडली इसमें और जोड़ दूं मैं कि परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि आप उससे प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना और उपवास, उपवास और प्रार्थना अलग अलग नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। तो यिर्मयाह नबी से जो बात जिसे हम टेलीफोन नंबर कहते हैं स्वर्ग का 33:3 में, परमेश्वर ने यही कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर और तेरी प्रार्थना को सुनकर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता है। हम इंटरनेट के जमाने में रह रहे हैं, है ना, कुछ भी ढका नहीं है जो खोला ना जा सके। तो हमको बड़ी और कठिन बातें स्टिल हमको प्राप्त करनी है। अभी बड़ी बड़ी बातें 7% तो हमने अपने दिमाग का उपयोग किया है, जो बुद्धि का फल ज्ञान और खाली है ना, तो सिर्फ 7% हमको अप्लाई कर पाते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा करना है और अद्भुत और कठिन बातों को जानना है तो प्रार्थना और उपवास इज द बेस्ट। उपवास में आप देख सकते हैं कि कोई निश्चित नियम बाइबल में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से जो शुरुआत की कलीसियाओं में इन बातों को तय किया गया, कलीसिया मनुष्यों ने इन बातों को तय किया कि उपवास में जो आमोद प्रमोद से दूर रहना, या आज के समय में हम आप कह ले मनोरंजन से दूर रहना, और मांस मछली वगैरह नहीं खाना, या उस समय पर प्रारंभिक समयों में मांस मछली और दूध से बने हुए चीजें, दूध हुआ, दही हुआ और उससे बनी हुई मिठाइयां, इस प्रकार की जो मनुष्य की लालसा करती है, जिन बातों के खाने की लालसा करती है, उन बातों को छोड़ देना, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बाइबल इस संबंध में भी नहीं बतलाती है कि आपको उपवास के दौरान मटन नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार का उपवास नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरी तरह यह आत्मिक रूप से ही होना चाहिए। तो आप चाहे तो अपने जो इच्छा की जो चीजें हैं उन बातों को आप जिनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति मटन खाना पसंद करता है, कोई व्यक्ति मीठा खाना पसंद करता है, या कोई व्यक्ति पूरे समय मनोरंजन में रहना चाहता है, तो इन बातों को छोड़कर उपवास किया जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बाइबल इस बारे में नहीं बतलाती कि भाई आप मटन ना खाए उपवास। बाइबल एक स्वतंत्रता देती है, एक वर्ड आया है जो जैसा ठान ले, जो जैसा, इट इज अप टू यू। और इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको एक फ्री विल दी है कि हम जितना ठाने करें। लेकिन यदि इस तरह का छोड़कर यदि करें तो निश्चित ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। हाँ। इन बातों में हाँ। कि भाई आपने कुछ त्याग किया। हाँ, हाँ। जैसे कि भोजन को छोड़ना, उपवास रखना मतलब भोजन को छोड़ना, तो परमेश्वर की प्रसन्नता है इसमें। और आप कुछ इस प्रकार की बातों को छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ये इस बात का आदर करेगा। उपवास करके अपने आप को शिथिल करते हैं ना, तो हम अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे होते हैं। सिस्टर आपकी बॉडी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने ये एक नियम नहीं ठहराया कि आपको उपवास रखना है, क्योंकि मत्ती 6:16 में लिखा है कि जब तुम उपवास रखो, तो अगर जब तुम उपवास रखो तो अपनी मर्जी से आप रख रहे या किसी कारण से आप रख रहे तो नियम सही होगा। अगर आपने उपवास रखा, आपने नॉनवेज नहीं खाया, अच्छी वस्तुओं को छोड़ दिया 40 दिन के लिए, परंतु परमेश्वर के विरोध में अगर आपने काम किया तो आपका उपवास ग्रहण नहीं होगा। आपका कपड़े बदल लेना, सस्ता कपड़ा पहन लेना, ये उपवास में शामिल नहीं होगा। पर शब्दों को अच्छे निकालना, बाइबल में लिखा है तू अनमोल बोल परंतु निकम्मा ना बोल। तो हमको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, वो आपकी दीनता को दिखाता है। आप भोजन छोड़ के आप घड़ी देखते रहते कि 3 बजे हमको उपवास तोड़ना है, परमेश्वर के साथ संगति करने का अवसर नहीं, तो ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हम मीटिंग्स में जा रहे हैं और वहां पे जो लोग नहीं खाते उनने कह दिया हम नॉनवेज नहीं खाते, परंतु उनने नॉनवेज छोड़ा, परंतु क्या उनने जीवन को बदला, जीवन के कामों को बदला? यही है मन का विचार, यही है मन का उपवास जो परमेश्वर जांचता है।
अगर आपने मन से कुछ नहीं किया तो दिखावे से तो मनुष्यों ने आपकी बड़ाई की, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल कुछ नहीं देगा। राकेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या एक रोगी उपवास कर सकता है या उपवास ठहराना चाहिए उसे? क्योंकि उपवास भी जो है, परमेश्वर ने इस प्रकार से नहीं बोला है कि आपको इस तारीख से लेके इस तारीख तक उपवास करना है। जैसे अभी लेंट पीरियड चल रहा है, लेंट में जो है 40 दिन का उपवास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस लेंट का जो उपवास है ये अलग है। यहाँ पर हम आप जो बात कर रहे हैं वो अलग उपवास है, जो कि आप कभी भी साल में किसी भी समय और कितने भी दिन का उपवास ठहरा सकते हैं अपने किसी विशेष कार्य के लिए, परमेश्वर के सामने उपस्थित होने के लिए हम इन उपवासों को किया जाता है। लेंट का जो 40 डेज का जो उपवास है वो एक अलग बात है, उस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर जो हम किसी भी दिन साल में रख सकते हैं और किसी विशेष पर्पस के लिए हम कर सकते हैं उपवास, उसमें मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक रोगी वो उपवास कर सकता है, क्योंकि उपवास में हमको भोजन भी त्यागना होता है। जैसे कि आपने कहा कि उपवास कर सकता है, ये तो जब मैं छोटा था तब मैं अपना प्रभु यीशु मसीह में आया तब मैं भी बहुत उपवास रखता था, और मैंने अपने बड़े बड़े हमारे अगुओं को भी देखा मैंने कि वो काफी उपवास रखते थे, और उसके द्वारा से काफी आत्मिक विजयों को भी उन्होंने प्राप्त किया और उनको सिखाया भी उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे उनकी अवस्था अधिक होती चली गई, जैसे कि आपने बताया कि बाइबल में कोई नियम कायदा कानून नहीं है कि आपको इस इतना घंटा रखना है और जीवन भर आपको ये उपास रखना है, लेकिन जब शारीरिक विपदाएं आने लगती है एक परमेश्वर के दास के जीवन में, तो वो व्यक्ति जब शारीरिक रीति से क्षीण होने लगता है, उसे खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो चिकित्सक भी उसे एडवाइस देते हैं कि आपको जो आप रख रहे हैं उपास नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने देखा है परमेश्वर के दासों को जो 21 दिन का उपास रखते थे जवानी में, 40 दिन का उपास रखते थे अपनी जवानी में, और उन्होंने अच्छी सेवकाइयां करी, लेकिन जब उनका शरीर तो वृद्धावस्था में आया तो वो उस प्रकार का उपास नहीं रख पा रहे। मैं अब ये आपने कहा ब्रदर कि क्या रोगी को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बाइबल इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं है कि आप कुछ भी हो जाए आपको रखना चाहिए, बाइबल ऐसा नहीं कहती है। तो ये अप टू उसके पर्सन के ऊपर है कि वो व्यक्ति रखना चाहे या ना रखना है, वो कहां तक उपास की उस कमजोरी को जो शारीरिक रीति से होती है कितना वो सह सकता है, ये इंडिविजुअल हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात जैसे मैं कहना चाहूंगा उपास के बारे में कि उपास जैसा आपने अभी स्पष्ट ही कर दिया कि ये खासकर लैंड्स की डेज के बारे में आपने उपासकालीन जो सभाएं होती है उपासकालीन कहते हैं, तो मेन लाइन चर्चेस के जो लोग हैं वो उपास को केवल इसी समय के लिए जानते हैं ब्रदर। आज के वर्तमान समय में भी उपास की जब बात करो तो ये 40 दिन के ही बारे में मेन लाइन कलीसिया बात करती, जैसे आपने स्पष्ट किया कि हम जो यहाँ पे वार्ता कर रहे हैं ये 40 दिन के उपास के बारे में वार्ता नहीं कर रहे हैं, ये उपास साल भर 365 दिन और जब तक आप जीवित रहे उसके ऊपर हमारी ये परिचर्चा हो रही है, लैंड डेज के ऊपर नहीं हो रही। तो ये उसके बारे में आज भी लोग अनभिज्ञ हैं, तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि सिस्टर ने बताई मत्ती 6:16 में व्यवस्था में यहूदियों के लिए ये निर्देश दिया गया था कि आप उपास रखें, जैसे कि ब्रदर ने पढ़ाया है व्यवस्था में कि ये निर्देश दिया गया था कि वो उपास रखें। और जब प्रभु यीशु मसीह का सबसे लंबा सर्मन बाइबल का है जिसे कहा जाता है पहाड़ी उपदेश, सबसे लंबा सर्मन प्रभु यीशु मसीह ने दिया पहाड़ी उपदेश, उसके 6वें अध्याय की 16वीं आयत जो सिस्टर ने पढ़ी, जब तुम उपास रखो, तो प्रभु यीशु मसीह ने वही कोटेशन को लिया जैसे कि अभी हम वार्ता कर रहे हैं या हम कहते हैं बेटा जब तुम जाओगे घर, जब तुम खाना खाओगे उसके बाद तुम ये दवाई लेना, मतलब तुम घर जाओगे खाना खाना निश्चित है, तुम घर जाओगे रात का खाना खाना निश्चित है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी वे में बात कर रहा है कि जब तुम उपास रखो, मतलब उपास तो तुम रखोगे ही, वहां पे यदि तुम उपास रखो ऐसा नहीं बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो, जब तुम उपास रखो मतलब उपास रखना। और मैंने एक किताब भी पढ़ा था कि
फास्टिंग इज अ वेपन, फास्टिंग इज अ निग्लेक्टिंग वेपन, वहां पे उसने कहा फास्टिंग एक हथियार के तौर पे, एक शस्त्र के तौर पे परमेश्वर के दासों का इस्तेमाल करने की एक हथियार है उनके पास। तो जो आज निग्लेक्ट हो रहा है हमारे मसीह समाज के, यदि आप बहुत सी बड़ी बड़ी सेवकाइयों को देखो जो बहुत बड़े बड़े नाम है, उनकी जब सेवकाइयों की, बड़ी सेवकाइयों का रहस्य आप पूछिए ब्रदर, जब वो बड़े हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, विश्वव्यापी हो जाते हैं वो, तो उनके अंदर स्वाभाविक है घमंड आ सकता है, प्राइड आ सकती है। लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे भी आके कैसे वो पवित्रता को, कैसे वो इस घमंड को, कैसे वो अपनी प्रसिद्धि को कंट्रोल करते हैं, उसका ये शस्त्र है ब्रदर उपास, जो उनको इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे भी नम्र और दीन बना के रखता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, ही विल लिफ्ट यू अप। आपका कहना यह है कि जो उपवास है ये हम आप मसीहियों के लिए शैतान को हराने का एक शस्त्र, शस्त्र हथियार है। दूसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी एक तरीका है। जब हम जितना दीन बनेंगे, उपास आपको दीन बनाता जाता है, नम्र बनाता जाता है। मैंने बहुत अच्छे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को देखा है, और बहुत से आपने भी सुना होगा कि बड़े बड़े परमेश्वर के दासों में आगे जाके घमंड आ गया। आपने बहुत सारे नाम सुना होगा जिनका नाम लेना अभी अच्छा नहीं है अपनी वार्ता में ले, लेकिन वो जब ऊंचाइयों पे उठे उन्होंने अपनी वो उपस्थिति को खो दिया ब्रदर, जिससे परमेश्वर की उपस्थिति उन्होंने उनको वहां तक पहुंचाया। दूसरे शब्दों में ये कहूं कि हो सकता है, ऐसा नहीं है, हमको पता नहीं है, हो सकता है कि उन्होंने अपना उपास और प्रार्थना का जीवन खो दिया हो, इसलिए उन्होंने उन ऊंचाइयों की उस प्रसिद्धि को संभाल नहीं पाया। यहाँ पे देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा था, दो बातें थोड़ी सी निकल के आ रही है। उस समय एक बात अच्छी होती है, वो ये होती है कि हम आत्मिक रूप से उठा दिए, शरीर हमारा जरूर दुर्बल होता है उसमें, लेकिन हमारी आत्मा प्रज्वलित होती है, हमें थॉट्स नहीं आएंगे, हमें तमसिक भोजन सामर्थ्य जो है वो सब वचन बतलाता है कि निर्बलता में काम का सिद्ध होती है। ये मुख्य सिद्धांत है उपवास का, जो आप भोजन छोड़ते हैं उससे निर्बलता आती है, आप दीन भी बनते हैं, नम्र भी बनते हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आप या मनोरंजन को छोड़ दिया या भोजन को छोड़ दिया, इस सब प्रकार की जो बातें हैं वे आपको नम्रता की ओर ही ले जाती है। पौलुस ने कहा था जैसे कि आपने निर्बल में सामर्थ्य देती है, हालांकि पहले मैं ये समझता नहीं था, बाद में पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। तो ये अपोजिट बात कैसे हो गई, वो जो आप बोले ना ये चीज है, वो ये बात है कि जो परमेश्वर इन निर्बलताओं को, जब आप अपने आप को दीन करते हैं, आप अपने आप को दीन कहाँ करते हैं, परमेश्वर के सामने, वो सर्वशक्तिमान के सामने। वास्तव में हमको आपको दीन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए पूरे समय, हमें दीन उनके समक्ष बने रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उपवास के समय ही हमको नम्र और दीन बनना है, वो तो फिर दिखावटी वाली बात हो गई है, या ढोंगी उपवास हो गया। तो हमको आपको पूरे समय ही परमेश्वर के समक्ष नम्र और दीन बने रहना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष अवसरों पर या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम आप साल के किसी भी दिन, कितने ही दिन, जिसको आप ठहरा लें, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर कोई नियम और आज्ञा इस प्रकार की उपवास से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं दी हुई है। तो आप स्वयं इस बात को ठहरा लें, आप सोमवार को कर सकते हैं, आप शुक्रवार आप अच्छा दिन मानते हैं, जिस दिन को भी आप अच्छा मान लें उस दिन आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आज की परिचर्चा के अंत में मैं सिस्टर से कि आप कुछ बातें और यदि एक्स्ट्रा आप बतला सकते हैं तो सिस्टर आप बतला। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उपवास के बारे में बड़ी चर्चा हमने की है, कई बातों को हम जानते थे, कई बातों को सुन के अपने बाइबल में पढ़ा और समझा, परंतु मेरा सोचना ये है कि उपवास आपने रखा, परंतु अगर आपने सही उपवास नहीं रखा तो प्रतिफल तो नहीं मिलेगा। जहाँ नम्रता और दीनता की बात आ रही है कि उपवास रखने से हमारा जीवन नम्र और दीन हो जाता है,
नम्र और दीन वहां होगा जब उपवास रखने के बाद हम परमेश्वर से संगति करें। हमारे परिचित में एक को मैंने देखा, जब मैं बाइबल को गहराई से नहीं जानती थी, वो बहुत उम्र में मेरे से बड़ी थी, वो 40 दिन का उपवास रखती थी। और ये सच्चाई है प्रियो, मैं जो आपके सामने बता रही हूँ, वो 40 दिन का उपवास रखती थी। हस्बैंड का डब्बा नहीं बनाना, बच्चों को मारना, पड़ोसी से झगड़ा, परिवार में झगड़ा, और उसके बाद बोले हमने 40 दिन का उपवास रखा, टीवी नहीं सुनाना, कोई गाना हम नहीं सुनना चाहते, परंतु खुद के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो दूसरों को बदलना चाहती थी, तो उनके पति और उनके बच्चे कहते थे ये 40 दिन का उपवास क्यों आया, क्योंकि उसी में हमें खाना नहीं मिलता और उसी से हमें झगड़ा होता। हम उपवास रखें, मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम खा के मन का उपवास रखें वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप भूखे रहकर शरीर को कष्ट दे रहे और दूसरों के लिए दुख का कारण बन रहे, इससे अच्छा तो आप उपवास ही ना रखें। और उपवास रखने का जरूरी नहीं है कि आप दिन भर ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं, आप अच्छा नहीं पहने। अगर आप सुबह दो पराठे खाते हैं तो आप सुबह का दो पराठा छोड़ दीजिए, दिन का खाना खा लीजिए। आपने एक टाइम का छोड़ा, वो भी आपका उपवास है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी शारीरिक दशा कि आप कितना कर सकते हैं कितना नहीं। पर दो घंटे का लिया अगर आपने उपवास छोड़ा, दो पराठे की अगर आपने बलिदान दिया है, त्याग दिया है, तो वो दो घंटे में आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होना अवश्य, वरना सब कुछ व्यर्थ है। ये 40 दिन का उपवास और बीमार का उपवास और अच्छे काम को पा लेने का उपवास कुछ भी सार्थक नहीं होगा अगर शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। बदलाव यहीं से शुरू होना चाहिए, और नहीं हुआ तो सब बेकार है। ऐसा उपवास रखे जो परमेश्वर को कहे। राकेश भाई, मैं आपसे भी चाहूंगा कि कम शब्दों में आप और भी कुछ बतलाना चाहे। नहीं, सब कुछ तो हो गया है, लेकिन उपास वो जी सिस्टर ने कही जैसा होना चाहिए, सब कुछ क्लियर कर दिया सिस्टर ने, ये इतने ही काफी है। अनु भाई, मैं तो ये कहूंगा कि मैं जिस कलीसिया से पहले आता था वहाँ दो शब्द थे, उपवास के साथ परहेज भी जुड़ा हुआ था, जैसे सिस्टर ने अभी बताई। और मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि उपवास करना बहुत जरूरी है, वो उसके लिए नहीं है। आज की परिचर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का जो उपवास का विषय था, उसमें कुल मिलाकर जो आज की परिचर्चा हुई है, उसमें विशेष बात यहाँ पर उठकर ये आया हुआ है कि उपवास सिर्फ खाली भोजन छोड़ देने से नहीं होता या मनोरंजन छोड़ देने से नहीं होता, इसके साथ में पश्चाताप और प्रार्थना में समय बिताना, जब तक का आपने उपवास रखा हुआ है, जब तक आपने भोजन छोड़ा हुआ है, परमेश्वर से नजदीकी को बनाए रखना आवश्यक है। और जैसा कि परिचर्चा में निकल कर आया कि इसमें दुष्टता के कामों को करना, इन सब को छोड़ना पड़ेगा, अनाथों की सेवा करना या अनाथों को दान देना, इस प्रकार के जो परमेश्वर को पसंद आने वाली बातों को आपको करना इस उपवास के दौरान आवश्यक है, और यही सच्चा उपवास भी है। तो हम आप कोशिश करेंगे कि जब कभी आप उपवास ठहराएंगे, उस उपवास के द्वारा ऐसी गलत बातों को छोड़ने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, और अच्छी बातों को आप अपनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं इवेंजलिस्ट ब्रदर अनूप को और भाई राकेश भाई को और सिस्टर नलिनी रेशम मोसेस सिस्टर को। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आए यहां पर और अपने समय विशेष दिया। आज के दिन जो है वो उपवास विषय पर परिचर्चा हमने की है, और आगे भी इसी प्रकार से बाइबल संबंधित विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे, ताकि आप बाइबल से जो संबंध रखते हैं उन विषयों के बारे में सही और खरी बातों को आप जान सके। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप सभी ने इस वीडियो पर अपना समय दिया। जय मसीह।